कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। देखिए, अपना जो सेकंड बुक है बिस्टार्स वाले बुक, उसका फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल। ये जो चैप्टर है इसके हमने कंप्लीट नोट्स तैयार किए हैं, अवेलेबल करवाऊंगा मैं आपको। और अभी इसकी समरी हम कंप्लीटली देखने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट का समय लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो कंप्लीट चैप्टर आप न पढ़ करके एक बार इसकी समरी पढ़ लीजिए। देखो, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपका कंप्लीट रिविजन हो जाएगा और फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और एग्जाम से पहले एक बार अपने जो विस्टास के सारे चैप्टर हैं उन सभी के समरी में आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो बुक है अपने विस्टास, नोट्स और समरी, चैप्टर फर्स्ट है द थर्ड लेवल। अब देखिए, ये जो थर्ड लेवल है, एक्चुअली इसमें होता क्या है कि चार्ली नाम का व्यक्ति जो है वो इस दुनिया की भाग दौड़ से परेशान है और घर पहुंचने के लिए वो बस से एक तेज रास्ता है, उस रास्ते से वो जल्दी आना चाहता है, लेकिन वो वहां पे जाके खो जाता है और वो एक काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वहां पे थर्ड लेवल है, तो उसी के बारे में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, नाम है चार्ली। चार्ली क्लेम्स टू हैव बिन ऑन द थर्ड लेवल। अब यहाँ पे चार्ली ये कहता है, दावा करता है कि मैं थर्ड लेवल पे था, मैं थर्ड लेवल मैंने देखा है। लेवल का मतलब होता है फ्लोर, है ना, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे। एक्चुअली जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वहां पे है दो लेवल, लेकिन चार्ली ये कहता है कि मैंने थर्ड लेवल देखा है। और उसकी ये हालत कैसे हुई, उसने थर्ड लेवल कैसे देखा, आगे इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे वो देखा है उसने, वो वहां पे गया हुआ है, ऐसा दावा करता है। अब देखो, यहां से छोटे छोटे प्रश्न भी बनेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, इसलिए सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि थर्ड लेवल पे कौन गया था, चार्ली गया था। चार्ली ने वहां पे कितने लेवल देखे या वो किस लेवल पे गया था, वो थर्ड लेवल पे गया था। आगे देखिए, बट द रेलवे अथॉरिटीज स्वीयर दैट देयर आर ओनली टू लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन रेलवे के जो अधिकारी हैं, रेलवे की पूरी अथॉरिटीज जो है, वो दावे के साथ ये शपथ खा करके कह सकते हैं कि वहां पे ओनली टू लेवल्स हैं, मतलब टू फ्लोर हैं, थर्ड थ्री फ्लोर नहीं है, टोटली वहां पे केवल दो फ्लोर हैं। लेकिन फिर भी ये चार्ली कहता है कि मैं थर्ड फ्लोर पे देखा मैंने। नो वन हैज एवर सीन द थर्ड लेवल देयर। इसके अलावा, चार्ली के अलावा किसी ने भी वहां पे थर्ड लेवल नहीं देखा, तीसरा तल जो है वो, तीसरा लेवल जो है वो, वहां पे फ्लोर जो है वो नहीं देखा। नेक्स्ट, चार्ली कंसल्ट्स हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। अब चार्ली क्या करता है कि इसके बारे में वो अपने एक मित्र, जो कि उसका साइकियाट्रिस्ट मित्र है, मनोचिकित्सक है, उससे वो उसके बारे में बातचीत करता है। He tells him about the third level. चार्ली अपने मित्र जो कि एक मनोचिकित्सक है, एक साइकियाट्रिस्ट है, उसे थर्ड लेवल के बारे में बताता है। His friend calls it a waking dream with fulfillment. इसको याद रखना। तो इसने जो थर्ड लेवल देखा था ना, इस थर्ड लेवल की घटना को उसके मित्र सैम ने, जो एक साइकियाट्रिस्ट है, कहा, उसे एक विशेष नाम दिया। वो नाम क्या था? A waking dream with fulfillment. अब ये क्या है, वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट? अब देखो, एक्चुअली चार्ली डजंट फील एट होम इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी एंड वार। वर्तमान की जो दुनिया है, इस दुनिया में एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से युद्ध चल रहे हैं, असुरक्षा का भाव है और एक भय का माहौल अभी पैदा हुआ है, अभी फैला हुआ है। तो इसमें वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, वो उसे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। और ये इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वो एक काल्पनिक, एक फैंटेसी, एक कल्पना में, एक स्वप्न में चला जाता है। Therefore, he just escapes into the world of dreams and fancies. इसलिए वो क्या करता है कि इस एक्चुअल वर्ल्ड से, इस हार्श रियलिटीज जो है, इससे बचने के लिए वो दिवा स्वप्न देखता है, कल्पना करता है एक शांतिपूर्ण संसार की, एक बहुत ही एक 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 ऐसा स्वप्न जो, जहाँ पे हर तरफ शांति शांति और सुख ही सुख हो, किसी प्रकार का कोई डर, कोई तकलीफ नहीं हो। तो एक ऐसी कल्पना करता है, एक ऐसी फैंसीज देखता है। चार्लीज फ्रेंड,
चार्लीज फ्रेंड क्लेम दैट ही हैज एन एस्केपिस्ट टेंडेंसी। तो चार्ली का जो मित्र है साइकेट्रिस्ट, वो इसकी जो ये टेंडेंसी है, ये प्रवृत्ति है, उसको कहता है बचने की प्रवृत्ति। किससे बचना? इस हार्श रियलिटीज से, मॉडर्न जो रियलिटीज है उससे बचने की एक प्रवृत्ति है। ही इज स्टाम्प कलेक्टिंग इज नथिंग बट अ टेम्परेरी रिफ्यूज, एक टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब यहाँ पे एक स्टाम्प कलेक्शन की भी बात आती है, तो ये स्टाम्प कलेक्टिंग क्या है? एक्चुअल में वो कोई स्टाम्प कलेक्शन नहीं करता है, बट ये स्टाम्प कलेक्टिंग भी एक अस्थायी, एक टेम्परेरी रिफ्यूज, एक अस्थायी शरण है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इस वर्तमान की रियलिटी से वो एक काल्पनिक संसार में जाता है, ये एक टेंडेंसी है। वन डे चार्ली इज इन अ हरी टू गेट टू हिज अपार्टमेंट। अब देखिए शुरुआत कैसे होती है ये थर्ड लेवल पे पहुंचने की, कि एक दिन चार्ली अपने घर जाने के लिए जल्दी में था, उतावल में था, एक्चुअली ऑफिस में लेट हो गया था, काम ज्यादा था तो लेट था, तो उतावल कर रहा था। एंड ही टेक्स द सब वे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस। अब वो जल्दी घर पहुंचने के लिए क्या करता है, एक शॉर्टकट लेना चाहता है, और वो शॉर्टकट जो बस से तेज अपने घर पे उसे ले जाएगा। तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है, वहां से एक उपनगरीय रास्ते से होते हुए घर पहुंचना चाहता है। ही गोज डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। अब वहां से वो क्या करता है, सीढ़ियों से नीचे उतरता है और पहले फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है। Then he walks down to the second level. उसके बाद फिर और जाता है आगे और फिर वो सेकेंड लेवल पे पहुंचता है। अब आगे देखो क्या होता है, फर्स्ट लेवल पे गया, सेकेंड लेवल पे गया, एंड द सब अर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम देयर। ये जो सेकेंड लेवल था, यहां से सब अर्बन ट्रेनें निकलती है। सब अर्बन का मतलब होता है कि जो मुख्य सिटी होती है, मेन जो शहर होता है, उस शहर के बाहरी इलाके में जो नगर बसा हुआ होता है ना, चारों तरफ जो बस्तियां होती है वो उपनगरीय इलाका कहता है। तो उपनगरीय इलाके में जाने वाली सारी ट्रेन जो है वो सेकेंड लेवल से जाती थी। नेक्स्ट क्या है, ही गोज इनटू एन आर्क्ड डोरवे। अब फिर वो वहां पे एक आर्क्ड डोरवे था, एक तोरण द्वार था, उसमें प्रवेश करता है, हेडिंग फॉर द सबवे एंड गेट्स लॉस्ट। ये जो आर्क डोरवे था ना, ये एक उस सबवे, एक उप नगरीय रास्ते पे उसे ले जाने वाला था, और वहां जाके वो फिर खो जाता है ना, वहां पे वो काल्पनिक संसार में पहुंच जाता है। इट इज क्वाइट इजी टू गेट लॉस्ट देयर। और सामान्यतः इतना मतलब कि ऐसी चीजें हैं कि वहां पे एक प्रकार से गलियां और इधर गली, इधर गली, इधर रास्ता, उधर रास्ता, कि सामान्यतः लोग यहाँ पे खो जाते हैं, खोने जैसी कंडीशन थी। द ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री विथ एंडलेस कॉरिडोर्स, डोरवे एंड स्टेयर्स। ये जो ग्रैंड सेंट्रल है, ये लगातार बढ़ रहा है ना, लगातार इसके निर्माण हो रहे हैं, वहां पे एक पेड़ के समान वो बढ़ रहा है। जिस तरीके से पेड़ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, उसकी डालियां, उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियां कैसे दिनों दिन बढ़ती हैं, तो इस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। एंडलेस का जिसका मतलब कोई और छोर नहीं हो, क्यों? यहाँ पे कॉरिडोर बन रहे हैं, डोरवे बन रहे हैं, सीढ़ियां बन रही है, तो दिनों दिन इसका विस्तार होता जा रहा है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल। और अब यहाँ पे चार्ली अपने आप को कहाँ पाता है, वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया है, वो अपने आप को थर्ड लेवल पर पाता है। अब देखिए आगे क्या है, कि इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट्स, ब्रास स्पिटोन्स, डर्बी हैट्स, बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टासेस। ये जो थर्ड लेवल है ना, ये थर्ड लेवल एक बहुत ही भिन्न संसार है, एक अलग प्रकार की दुनिया है, जहां पे क्या है, जहां पे ये सारी चीजें हैं, ठीक है। He wants two tickets for Galesburg, Illinois. अब वो Illinois के लिए दो टिकट खरीदना चाहता है। Illinois एक ऐसा प्लेस जहां पे वो जाना चाहता है, जो कि एक भिन्न दुनिया का जगह है। The clerk is surprised to see different kinds of notes in Charlie's hands. लेकिन जब वो टिकट विंडो पे टिकट लेने के लिए जाता है, तो वहां पे वो क्लर्क जो होता है, वो चार्ली के हाथ में जो नोट्स हैं, क्योंकि वो तो मॉडर्न टाइम के नोट्स हैं, तो वो नोट्स देख करके वो हैरान रह जाता है, ये नोट्स कौन से भाई। He wants saying to him. अब यहां पे वो क्लर्क उसको ये कहते हुए चेतावनी देता है, that aren't money mister. ये कहा, ये भाई ये पैसे नहीं है, ये रुपए नहीं है, पुराने टाइम के रुपए लाओ चाहिए तो। अब यहाँ पे देखो फिर क्या होता है, कि चार्ली
चार्ली टर्न्स अवे एंड गोज आउट फास्ट। अब चार्ली वहां से मुड़ता है और तुरंत बार की तरफ जाता है। ही बायज ओल्ड करेंसी, वहां से वो पुरानी करेंसी खरीदता है। बट ही नेवर अगेन फाइंड्स द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल। लेकिन अब दोबारा से वो कॉरिडोर वापस नहीं देख पाया जो कॉरिडोर उसे थर्ड लेवल पे लेके गया था। वो कॉरिडोर दोबारा उसे नहीं मिला। His friend Sam Vanner disappears. Nobody knows where. अब यहाँ पे उसका जो मित्र है ना, उसका मित्र सैम, वो भी खो जाता है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया है। चार्ली सस्पेक्ट्स हिम टू बी इन गैल्सबर्ग इलियोनोइस। लेकिन चार्ली ये मानता है कि शायद वो गैल्सबर्ग पहुंच गया है, इलियोनोइस के गैल्सबर्ग में पहुंच गया है उसका मित्र। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द प्लेस। चार्ली को ये स्थान बहुत ही ज्यादा पसंद था। चार्ली फाइंड्स आउट दैट सैम बॉट ओल्ड करेंसी वर्थ $300। और यहाँ पे चार्ली ये पाता है, चार्ली को ऐसा लगता है कि उसके मित्र सैम ने $300 की पुरानी करेंसी परचेस करी थी, पुरानी करेंसी उसने खरीदी थी। ही ऑल्सो फाइंड्स अ मार्क्ड एनवेलोप एड्रेस टू हिज ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गैल्सबर्ग। अब यहाँ पे वो गैल्सबर्ग में अपने घर पे एक एनवेलोप प्राप्त करता है जो उसके दादा के नाम से लिखा हुआ था, जो उसके दादा को संबोधित करके लिखा हुआ था। द पोस्ट मार्क शोड द डेट 18th July 1894। अब यहाँ पे जो उसमें जो स्टाम्प पैड, उसमें जो स्टाम्प पोस्ट था उस पर तारीख लिखी हुई थी, वो तारीख क्या थी उस एनवेलोप पे, उस लिफाफे पे, वो तारीख थी 18 जुलाई 1894। अब देखो ये भूतकाल में चला जाता है। द लेटर वॉज एड्रेस टू चार्ली। और ये लेटर किसको संबोधित किया हुआ था? ये चार्ली को संबोधित किया हुआ था। सैम क्लेम टू हैव फाउंड द थर्ड लेवल। अब यहाँ पे सैम जो है ना, उसका मित्र, वो दावा करता है कि वो थर्ड लेवल है। ही आस्क्ड चार्ली एंड हिज वाइफ लुइजा टू कीप लुकिंग फॉर थर्ड लेवल। वो यहाँ पे इस लेटर में चार्ली जो है, लेटर में सैम जो है वो चार्ली और चार्ली की पत्नी लुइजा दोनों को थर्ड लेवल के बारे में बात करता है। द लेटर वॉज रिटन एंड साइंड बाय सैम। वो लेटर किसके द्वारा लिखा गया था? सैम के द्वारा लिखा गया था। और उस पर साइन किसके किए हुए थे? सैम के साइन किए हुए थे। द मोस्ट मिस्टरीज थिंक वॉज दैट सैम वॉज हिज साइकियाट्रिस्ट। और सबसे रहस्यमय बात यह थी कि सैम जो था वो उसका एक मित्र था और वो साइकियाट्रिस्ट था, यानी मनोचिकित्सक था जो उसका इलाज करता था। मनोचिकित्सक है ना, चिकित्सक। तो बच्चों देखो, ये हमने एक शॉर्ट समरी पढ़ी है इस चैप्टर की, कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। PDF आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, EDUCATION, एजुकेशन राइज, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर ये नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगा, ऐप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, सारे हमारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से सारे चैप्टर्स की समरी आपको बिल्कुल 2 से 3 दिन में कंप्लीटली मिल जाएगी। इसके MCQs को जो क्वेश्चन है वो अपनी लाइव क्लास में करते हैं, शाम को एवरीडे 8 बजे इंग्लिश की लाइव क्लास रहेगी। इसके अलावा मॉर्निंग में और दिन में आपको अलग अलग क्लासे मिलेगी जिसमें हम इसका कंप्लीट जो इंग्लिश का अपना कंपोजिशन है, इसकी शॉर्ट कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन, ग्रामर के चारों टॉपिक है ना, बहुत सारे सब कुछ करने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपना इस चैप्टर को पढ़ करके अपनी तैयारी को अच्छी जो है वो कर सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।